जय भीम मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज ही कुछ अहम खबरों पर। 63वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का उत्साह पूरे देश में मनाया गया। बौद्ध उपासकों और भीम अनुयायियों ने धम्म क्रांति के महोत्सव पर सफेद वस्त्र धारण कर बाबा साहब को अभिवादन किया। साथ ही रैली व विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। धम्मदेश नाश्राम निर्शिविर और अन्य उपक्रमों के माध्यम से ऐतिहासिक दिन को याद किया गया। नागपुर, नांदेड़, परभनी, कोल्हापुर, भोकरदन और राज्य के अनेक जिलों में यह उत्साह देखने को मिला। आज अपन भोकरदन शहरा मध्ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी जी आपल्याला बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली, त्या दीक्षेच्या अनुषंगाने आपण आज या ठिकाणी भोकरदन वासियाच्या वतीनं मोठ्या प्रमाणामध्ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन या ठिकाणी आज साजरा करण्यात आला। या धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त बौद्ध बांधवांना मी हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो। जय भीम। खूप आनंद वाटला, मन प्रसन्न झालं, मला खूप आनंद होतो इथं आल्यावर। आमचे गौतम बुद्ध आणि बाबासाहेब परिवर्तन गौतम बुद्धाला, मग बाबासाहेबांना, मला खूप आनंद होतो। एवढी जागा आम्हाला जत्रा दिली बनून बाबासाहेबांच्या, आमच्या वडिलांना, आजांना, पंजांना, सगळ्या अभिमानांची जागा हीच आहे। याच्यासाठी मी एक वर्ष चुकत नाही, ना चुकता इथं येते, माझं मन प्रसन्न करते। बुद्धाची प्रतिमा आहे, एकदम शांत, एकदम शांततेची प्रतिमा आहे आणि त्याने मन प्रसन्न होते, सगळं दुःख निवारण होते। आणि मला असं कळतं की जगात सगळ्यात जास्त चांगली जागा आणि निर्मळ जागा म्हणसाल तर कामती आहे। जर एखाद्या बुद्धाच्या विचारांची गोष्ट केली तर काय? खूप आनंद होतो आणि मला सग प्रसन्न होतं आणि त्यासाठी मला खूप आनंद वाटतं की मी बार बार इथं यावा। हॅलो, मी बुलढाणा शहरातून आलेलो आहे, बुलढाणा जिल्ह्यामधून, आणि मला नागपूरमध्ये आल्याच्यानंतर मी सर्वात अगोदर दीक्षाभूमीला गेलो आणि तिथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि गौतम बुद्धांच्या पावन स्मृतीस मी अभिवादन केले आणि त्यानंतर मी कामटी इथे आलो। मला इथे येऊन खूप छान वाटले, इथे एकदम छान असं वातावरण आहे, गार्डन्स वगैरे खूप छान आहेत, इथे मेंटेनन्स पण खूप छान ठेवलेले आहे आणि मला आत गेल्याच्यानंतर खूप आनंददायी अनुभव असा झाला आणि मी इथे येऊन खूप मला मानसिक सुख असं मिळालेलं आहे। मला खूप बाबासाहेब आणि गौतम बुद्ध यांच्या जीवनावरचे काही क्षण इथे मला दिसेल अनुभवायला मिळाले आणि मी खूप खुश आहे। बौद्धमाची दीक्षा ज्यावेळी घेतली त्यावेळी त्यांनी घोषणा केली की संपूर्ण भारत बौद्धमयी करेल। या घोषणेला अनुसरून प्रत्येक बौद्धाचं कर्तव्य आहे की आपण संपूर्ण भारत बौद्धमय करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। या गोष्टीची जाणीव ठेवून आम्ही हातकणंगली तालुक्यातील संपूर्ण परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये असा निर्णय केला की बौद्धांनी आपली संस्कृती निर्माण केली पाहिजे आणि बौद्ध स्थळांचा विकास केला पाहिजे, बौद्ध स्थळांची निर्मिती केली, आपली प्रेरणास्थाने निर्माण केली पाहिजे। याच योजनेचा एक भाग म्हणून वडगावमधून माणगावपर्यंत रॅली काढून लोकांना तिथं मोठ्या संख्येने उपस्थित करून जमवून त्यांच्यावर आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न या रॅलीमार्फत आम्ही करत आहोत। धम्मचक्र परिवर्तन रॅली निघाली, त्या रॅलीमध्ये बरेच बहुजन उपस्थित सामील झालेले। या रॅलीमध्ये आम्हाला बौद्ध धम्म आणि बुद्धांनी जी शिकवण दिली ती मिळालेली आहे। अशोक विजयादशमी 63वा धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनानिमित्त सर्व बौद्ध विचाराच्या समतेच्या तथागताच्या विचाराला मानणाऱ्या पृथ्वीतलावरील सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। खरं तर आज खऱ्या अर्थाने समतेचा दिवस आहे, सर्वांना समान लेखण्याचा दिवस आहे आणि या समानतेचा विचार देणाऱ्या तथागताचा विचार सम्राट राजा अशोकाने पुढे आणला आणि त्याची स्मृती म्हणून खऱ्या अर्थाने आजची ही विजयादशमी आहे। आज आनंदोत्सव आहे, आजच्या दिवशी सर्वांनी संकल्प करण्याचा दिवस आहे। तुमचा संकल्प समानतेच्या दृष्टीने, सर्वांना समान लेखण्याच्या दृष्टीने मोठा संकल्प असावा आणि तो आज संकल्प सर्वांनी करावा। आजच्या या आनंदोत्सवाच्या दिनी सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 63वा धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन संपूर्ण भारतामध्ये साजरा केला जातो। याच दिवशी विजयादशमीला नागपूर येथे लाखो अनुयायांसह बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतली आणि आपल्या अनुयायांना दिली। भदंत चंद्रमणी महाथेरो
त्यांच्या हस्ते विधिवत हा एक उद्धाराचा मार्ग, मनुष्याला दुःखातून मुक्त करणारा जीवन मार्ग, याशिवाय या देशामध्ये जी विषमता होती त्या विषमतेला नष्ट करण्यासाठी आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी उचित मार्ग कोणता असेल तर बुद्धाचा मार्ग आहे हे बाबासाहेबांनी अभ्यासलं आणि अभ्यासामधून 21 वर्ष अभ्यास करून या धम्माचा स्वीकार कर या धम्माचा स्वीकार करत असताना कुणाच्याबद्दल द्वेषभावना नव्हती बाबासाहेब. केवळ आपल्या समाजाचा आणि माझा उद्धार झाला पाहिजे हा हेतू त्याच्या पाठीमागे होता. केवळ स्वतःच्या उद्धारासाठी, माणुसकीसाठी, इज्जतीसाठी आणि स्वतःत स्वाभिमान निर्माण करण्यासाठी बाबासाहेबांनी थम्म स्वीकारलेला आहे. जो बाबा साहब ने दिया है बहुत महत्वपूर्ण दिया है. हमारे समाज जो नीचे वर्ग के गुलामी में जकड़ गए थे, बाबा साहब ने हमारे धर्म को इतना ऊंचा उठाया, चिक्कड़ से उठा के उसको उसका भविष्य उज्जवल किया बाबा साहब ने. और जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी हमारे मगर साहब अभी बोले हैं पढ़े लिखे लोग बहुत है लेकिन धम्म का कार्य करना चाहिए. पढ़े लिखे जितना कम पढ़े वही लोग बाबा साहब का गुणगान गाते, बाबा साहब का घोषणा देते, बाबा साहब का नाम का कौतुक करते हैं. जो पढ़े लिखे लोग हमारे धम्म कार्य में लगना चाहिए. जो अभी रिटायरमेंट होते हैं सर्विस करके वो धम्म का काम करना चाहिए. यहाँ पर आम्रपाली बुद्धर्षवती से हमारा 3 साल से यहाँ पर प्रोग्राम डेली वंदना होता है, प्रवचन होता है या सामने शिविर होता है. धम्म का विचार अच्छा मानते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग का क्लास लेते हैं और अच्छा काम करने का हमारा समाज बहुत आगे चला गया है. यहाँ पर अंधेरी विभाग में बहुत सारे अभी मगर साहब ने बताया कि बहुत सारे बुद्धिहार है पर सब जगह पर हमारा कार्यक्रम चालू रहता है. अंधेरी के अंदर और मुंबई के अंदर इतने बुद्धिहार है, चेंबूर जाओ, मानकुर जाओ, जहाँ पर है अभी धम्म का बाबा साहब का सबको इतिहास मालूम हो गया. पहले जो हम पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम मालूम नहीं था, जय भीम बोलने को घबरते थे. आज कौन सा भी ST में जाओ, बस में जाओ, किधर भी प्रवास करो, फोन आता है तो जय भीम ऐसा लोग बोलते हैं. आज इतना परिवर्तन हो गया, अपने को कपड़ा मकान खाना पीना बाबा साहब के देन से हम लोग बहुत सारा ये उज्जवल भविष्य हो गया हमारा समाज का. आज अभी ये लड़की बोली है हमारी मगर साहब की जितने अच्छा बोलते अभी सब पढ़े लिखे लोग होंगे. भारतीय बौद्ध समाज को और भारतवासियों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई संगठक सचिव और केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब इनकी ओर से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. और हमारे आम्रपाली बुद्ध विहार की कमेटी, उस कमेटी में मैं सरचिटनीस हूँ और हमारे अंबुरे साहब अध्यक्ष है, तुकाराम कांबड़े खजिनदार है, इन सब की ओर से हमारे सभी बौद्धवासियों को, बौद्ध धर्मियों को धम्म चक्र परिवर्तन दिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. और हर समय यहाँ पर आके लॉर्ड बुद्धा टीवी हमें सहयोग करती है. लॉर्ड बुद्धा टीवी का भी हमारे ओर से, हमारे आम्रपाली बुद्ध विहार की ओर से और हमारे पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से उनको भी शुभेच्छा देता हूँ. जय भीम, नमो बुद्धाय. पहले जैसे हमारे लोग अभी नीचे निचली जात में अभी उनको काउंट नहीं किया जाता है और हम SC OBC ST ऐसे बहुत सारे कास्ट है जहाँ पे लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे लोगों को संगठित होने के लिए हम बताते हैं. धम्मचक्र परिवर्तन दिन के लिए हम गौतम बुद्ध है एक धम्म के बारे में उन्होंने बताया. यहाँ पे किसी भगवान के बारे में, उनके धर्म के बारे में, पाठ पूजा के बारे में नहीं बताया गया है. हम यहाँ पे वंदना लेते हैं, पढ़ाई के बारे में हम यहाँ पे शिक्षा लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी पूरी ज़िंदगी LLB LLM BSc MSc PhD एडवोकेट बैलिस्टर ऐसी विविध पढ़ाई उन्होंने उनकी ज़िंदगी में पूरे की है और भारत का संविधान उन्होंने लिखा है. मुंबई के आर्य जंगल को काटे जाने का मामला गरमाया हुआ है. ये जंगल मुंबई के लिए ऑक्सीजन का काम करता है लेकिन मेट्रो कार शेड बनाने के नाम पर करीब
2700 पेड़ काटे जाने वाले हैं। इस मामले में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के आवाज उठाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फिर इस मामले ने तूल पकड़ा। प्रकाश आंबेडकर के समर्थकों ने अपना विरोध दर्शाया। परभनी, तेलहरा, भद्रावती और वैजापुर में निषेध किया गया। प्रश्न विचारासाठी बाळासाहेब भारिपचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर गेले असता त्यांना अटक करण्यात आली आहे। त्या अटकेचा निषेध म्हणून भारिप बहुजन महासंघ भद्रावतीच्या वतीने महाराष्ट्र शासन आणि येथील वनमंत्र्यांचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे सगळे जमलो। बाळासाहेबांना जे अटक झाली आहे त्या अटकेचा निषेध पूर्ण महाराष्ट्रात होऊन राहिला आहे। शासनाने त्या गोष्टीचा अंत पाहू नये, नाही तर बाळासाहेबांचा जो अटकेचा पूर्ण महाराष्ट्रात उद्रेक होईल आणि बाळासाहेबांना त्वरित सोडून आरेच्या संदर्भात चौकशी करण्यात यावी, एवढी मी भद्रावती भारिपच्या वतीनं तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाला चेतावणी देतो। काल या ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2019 रोज रविवारी मुंबईतील आरे वसाहतीतील झाडे तोडण्या प्रकरणावर जे मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी आणि वृक्षप्रेमी यांनी जे काही आंदोलन केलं होतं त्या आंदोलनाला आंदोलकांना भेट देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेते ॲडव्होकेट श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर हे त्या ठिकाणी भेट देण्यासाठी गेले असता मुंबईतील पवई पोलिसांनी बाळासाहेबांना त्या ठिकाणी जाण्यासाठी मनाई केली, अटकाव केला, थांबवलं, काही काळ त्यांना त्यांच्यासोबत ठेवलं आणि नंतर त्या ठिकाणी त्यांना सोडून देण्यात आलं। या घटनेचा आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडी तालुका वैजापूरच्या वतीने आपल्या वैजापूर वंचित बहुजन आघाडीचे तालुक्याचे नेते माननीय हाजी अकिल सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही तहसील कार्यालय इथे जाऊन या ठिकाणी आम्ही निषेधाचं निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी हाजी अकिल सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शासनाकडं मागणी देखील केलेली आहे की या ठिकाणी संबंधित असतील त्यांची तात्काळ योग्य ती चौकशी करावी, त्यांच्याविरुद्ध लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी देखील आम्ही सर्वांनी वंचित बहुजन आघाडी तालुका वैजापूरच्या वतीने हाजी अकिल सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। 25-30 साल पुराने झाड तोडकर वहां पर मेट्रो के माध्यम से लोगों की रोजगारी पे पैर डालने का काम ये भाजपा सरकार ने किया है। आदरणीय बाळा साहेब आंबेडकर ने वो गरीब लोगों के पेट के ऊपर ये सरकार को लात मारने के रोकने के लिए वहां पर जाने का काम किया। मेरा ऐसा मानना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का बढ़ता हुआ वादड़ और भावी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाळा साहेब आंबेडकर साहब का चेहरा तेजी से सामने आता हुआ देखकर ये सरकार बौखला गई है और ये सरकार ने वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रचार प्रसार माध्यम बिगाड़ने के लिए राजकीय षड्यंत्र रचकर बाळा साहेब आंबेडकर साहब को अरेस्ट करने का काम किया है। मगर ये सरकार को पता नहीं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का वादड़ थमेगा नहीं और जोर से आएगा और 21 तारीख को इसका जवाब बराबर मिलेगा। बाळासाहेब ज्यावेळेस झाडे तोडण्याच्या विरोधामध्ये आंदोलन करण्यासाठी गेले त्यावेळेस आदरणीय श्रद्धेय बाळासाहेबांना या जातीवादी सरकारने अटक केली। त्या अटकेच्या निषेधार्थ आज परभणी वंचित बहुजन आघाडी, भारी बहुजन महासंघ, महाराष्ट्र विकास आघाडी, लाल सेना, रिपब्लिकन सेना यांच्या माध्यमातून इथे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं। आम्ही सगळे परभणीतील वंचित बहुजन आघाडीतील सगळे कार्यकर्ते या घटनेचा जाहीर निषेध करतो आणि या जातीवादी सरकारला येणाऱ्या 21 तारखेला मतदानाच्या माध्यमातून आणि 24 तारखेला रिझल्टच्या माध्यमातून खाली खेचल्याशिवाय परभणीतल्या असेल किंवा महाराष्ट्रातल्या तमाम वंचित बहुजन आघाडी इथले कार्यकर्ते ते ओबीसी मधले असतील ते कधीही स्वस्थ बसणार नाहीत। 5-6 घंट्यापूर्वी आदरणीय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांना प्रस्थापित जातीवादी सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून आदरणीय साहेबांना अटक केली। संदर्भ असा होता की मुंबईमधील जे आरे जंगल आहे त्या आरे जंगलामधील जे 29,000 वृक्ष आहेत त्या 29,000 वृक्षतोडीपैकी 26,000 वृक्षतोड झाली आणि त्याची पाहणी करण्यासाठी फक्त आदरणीय ॲडव्होकेट साहेब गेले असताना या हुकुमशाही सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून साहेबांना अटक करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला। त्याचा निषेध म्हणून आम्ही तमाम शिव शाहू फुले आंबेडकर चळवळीचे वंचित बहुजन आघाडीचे तमाम कार्यकर्ते या ठिकाणी निषेधासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालो आणि जमलेलो आहो। त्या माध्यमातून आम्ही आदरणीय हरदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। जी प्रचंड वृक्षतोड झाली त्या अनुषंगाने तेथील पर्यावरण प्रेमींना सुद्धा तेथील सरकारने अटक केली, पोलिसांनी अटक केली
या सर्व बाबीची या सर्व घटनेची विचारपूस विचारणा करण्यासाठी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर तिथे गेले असता त्यांना सुद्धा त्यांनी अटक केली, बळजबरीने त्यांना होमले. या सर्व बाबीचा निषेध म्हणून आज भारिप बहुजन महासंघ वंचित बहुजन आघाडी सेल्लर तालुक्याच्या वतीने आज आम्ही इथे निषेध नोंदवला आहे. धम्मचक्र दिन के अवसर पर नांदेड़ के आंबेडकरवादी मिशन अभ्यास के प्रमुख दीपक कदम इनके मार्गदर्शन में श्रामनेर एक अनागारिक संघ के उपस्थिति में धम्म वंदना ली गई. इस अवसर पर दिल्ली से आए हुए यूपीएससी एमपीएससी के अध्यापक पंकज सिंह इनके हाथों पंचशील ध्वज लहराया गया. कार्यक्रम में पत्रकार दत्ताहरी धोत्रे, संभाजी कदम, शिवाजी सोनकामड़े सहित आंबेडकरवादी मिशन के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए. अत्यधिक प्रसन्न हूँ. सबसे बड़ी बात है कि हमें बहुत अत्यधिक सम्मान दिया जा रहा है और जहाँ तक कई प्रकार के ज्ञान कदम सर के द्वारा पता चल रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन वर्तमान में समाज में किस तरीके से होना चाहिए. हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं लेकिन आज के डेट में हमें देखते हैं कि हम समाज के स्तर पर धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो आज ये मुझे समझने को मिला. और भारतीय होते हुए मुझे ये समझना चाहिए और हर भारतीयों को भी समझना चाहिए कि धर्म चक्र प्रवर्तन वर्तमान में जो दलित हैं, जिनको भारत में भारतीयता का सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा एक दिन है और हम भारतीयों को उन्हें आराम से अपने भाई बहनों की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए. मेरे लिए यही पैगाम है कि बुद्धम शरणम गच्छामि. और जिस तरीके से कहा गया है कि जितने हमारे दलित भाई बहन हैं उन्हें अपने भाई बहन की तरह ही एक्सेप्ट करके भारत को रियली में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की बात की जाए तो एक आंदोलन होना चाहिए जो कि हम सभी जितने दलित भाई बहन हैं उनको एक्सेप्ट करें और ये राष्ट्रीय स्तर पर हो, तभी हम इसमें नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं. मैं प्राध्यापक देव कुमार सावले नांदेड़ जिले से. आज के दिन बाबा साहब ने जो हमको बौद्ध धर्म दिया है उस नाते ये सब नांदेड़ के लोग आज बाबा साहब के रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो पुनर्कित पुतला है तो उसको नमन करने के लिए पूरे नांदेड़ के लोग जमा होते हैं. जो बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म दिया है वो धर्म का सब मिलकर हम पालन करेंगे. जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग के ऊपर सब बाबा साहब ने जिम्मेदारी डाली है उसका सब मिलकर पालन करेंगे और बाबा साहब का जो सपना है भारत बौद्धमय करने का वो हम सब मिलकर साकार करेंगे. प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को आज शुभकामनाएँ देता हूँ और साथ ही साथ क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 1956 में धम्मचक्र प्रवर्तन किया था तो इसका महत्व जो है तो वो बुद्ध के सारनाथ के पहले धम्मचक्र प्रवर्तन के बराबर इसका महत्व मुझे लगता कि है, क्योंकि बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था तो उसके बाद अगर कोई बुद्धिज़्म में इम्पोर्टेंट चेंज होगी या इम्पोर्टेंट इवेंट होगा तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का जो यहाँ पर जो धर्मांतर किया है बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ, तो उसका वो उस परिप्रेक्ष्य में महत्व है. इसमें दो तीन बातें जो है तो हमको मिली है. सिर्फ हमने बुद्धिज़्म को ही नहीं अपनाया, साथ ही साथ हमने पूरे वर्ल्ड को एक शांतता, मानवता, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व का जो यानी जो संदेश है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मानवता के लिए, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन हो या हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या हमारा जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन थे लेकिन जो मानवता के लिए जो रिवॉल्यूशन है तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर नहीं हुआ. वो मानवता के लिए रिवॉल्यूशन जो है वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के माध्यम से मिला है, तो ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी देन है बाबा साहब की. तो ये वर्ल्ड के ये तीनों रिवॉल्यूशन से ये रिवॉल्यूशन बाबा साहब ने जो किया है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और पूरे वर्ल्ड को उस कदम पे यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस कदम पे कदम रख के हमको आगे जो है तो बढ़ना है. गोंदिया से बैरोनी तक जाने वाली एक्सप्रेस में कई महीनों से जहर मिलाकर यात्रियों को बेहोश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था. डेढ़ महीने से चार मामले गोंदिया रेलवे पुलिस के सामने आए थे जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर बिहार के आरोपी प्रभु सिंह जगत सिंह को गिरफ्तार किया. रेलवे सुरक्षा मंडल के कमिश्नर आशुतोष पांडे ने इसकी जानकारी दी. जो है इंटीग्रेट सिक्योरिटी स्टेशन में जो टॉप के 200 स्टेशन है उनमें आता है और विगत दो महीनों से हमें शिकायत मिल रही थी, जीआरपी को भी शिकायत मिल रही थी कि पैसेंजर के साथ ड्रगिंग, जहर खुरानी की घटनाएं हो रही हैं
यहाँ से गाड़ी चलती है गोंदिया बरौनी, जिसमें हमें लगातार चौथी घटना मिली थी। इसके बाद एक टास्क टीम यहाँ बनाई गई और उनको ये आदेश दिया गया था कि वो लगातार इसकी रेकी करें और जो इस ट्रेन में है लगातार चले सिविल वेशभूषा में। और कल हमें इसमें बड़ी सफलता मिली है, हमने इसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया है, हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जब वो जहर पुरानी करके भाग रहा था रायपुर स्टेशन पे, उसको हमारी टीम ने पकड़ कर अभी जीआरपी को हैंडओवर किया है और आगे की कार्रवाई जो है जीआरपी आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञा का पालन किया जाए, इस उद्देश्य से बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा महाविहार परिवार नांदेड़ की ओर से बीते डेढ़ साल से शहर और देहातों के हर बुद्ध विहार में रविवार ये बुद्ध वंदना कार्यक्रम लिया जाता है। भदंत पय्याबोधी भिक्कू संघ प्रिय इनके उपस्थिति में नांदेड़ के त्रिरत्न बुद्ध विहार में 50वीं बुद्ध वंदना ली गई। इस अवसर पर सुजाता महिला मंडल सहित बौद्ध उपासक उपासिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धम्म के प्रचार प्रसार में सहभाग लेते हुए नांदेड़ शहर में गए एक साल से हमारा जो ग्रुप है महाविहार ग्रुप के ओर से हर बुद्ध विहार में हम जाकर रविवार को वहाँ वंदना बुद्ध वंदना लेते हैं और लोगों को धम्म के प्रति प्रेरित करते हैं। गए एक साल से हमारा ये पूरा वर्ष भर में हमने शहर के हर बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना लेकर और हर बुद्ध का पंचशील का पालन करने के लिए हम यह प्रेरित होकर समाज के प्रति अपनी सद्भावना और समाज में समाज का धम्म का प्रचार करने के लिए हम यह प्रेरित होकर हम पूरे शहरवासियों से जाते हैं। यह हमारी 50वीं धम्म वंदना है और इसी प्रेरित होकर आज हम ये नांदेड़ शहर का जिसे ऐतिहासिक कल है ऐसा त्रिरत्न विहार में आज हमारी 50वीं बुद्ध वंदना हो गई है। यहाँ पर तकरीबन 200-250 उपासक उपासिका आकर यहाँ पूज्य भंते पय्याबोधी की हमें त्रिशरण पंचशील देकर सबको प्रेरित किया और धम्म के प्रति उन्होंने हमें जागरूक किया। यह हमारा संकल्प ऐसा ही बढ़ते जाए, यही हम शुभकामना करते हैं, प्रेरणा देते हैं। महाविहार परिवार दाभड़ नांदेड़ की ओर से पिछले डेढ़ साल से नांदेड़ नगरी दक्षिण और उत्तर ये शहर जो है नांदेड़, इसमें जितने भी बुद्ध विहार है उन बुद्ध विहारों में बुद्ध वंदना का कार्यक्रम प्रचार और प्रसार के माध्यम से इस समाज को एकत्रित लाने का जोड़ने का प्रयास ये महाविहार परिवार की ओर से किया जा रहा है। ये महाविहार परिवार दाभड़ सामाजिक यों धार्मिक संस्था होने के नाते समाज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और धम्म के बारे में जो विचार उनमें रुझाने का प्रयास किया जा रहा है, उन प्रयासों के माध्यम से समाज जागृति करना ये मुख्य उद्देश्य लेकर उत्तर और दक्षिण नांदेड़ में जितने भी बुद्ध विहार है, कुल 105 बुद्ध विहार नांदेड़ नगरी में है, उन 5 बुद्ध विहारों में रविवार के दिन बुद्ध वंदना लेकर समाज में जागृति और उनमें डॉक्टर बाबा साहेब के प्रति उनके विचारों के प्रति अग्रसर होने के लिए ये परिवार डेढ़ साल से प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में अनेक उपक्रमों के माध्यम से समाज जागृति का काम महाविहार परिवार की ओर से हो रहा है। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को संस्कारित करने के लिए संस्कार धम्म संस्कार देने का एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। ये बच्चों के लिए 3 दिन का एक धम्म संस्कार शिविर आयोजन किया गया है। पुणे चाकन के मेदनकरवाड़ी में 63वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का उत्साह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धम्म उपासक उपासिका और बच्चों ने कार्यक्रम में सहभाग लिया। माननीय देखने सर विलासराव दाभाड़े और आदि मान्यवरों की मौजूदगी थी। धम्म चक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित धम्म चक्र प्रवर्तन संघाचे अध्यक्ष साहेब मला या कार्यक्रमाला आवर्जून बोलवलं। खरं तर काल रात्री अगदी उशिरा पहाटेच्या 3:30 वाजता मी घरी पोहोचलोय। रोजचं ते शेड्यूल झाल्यामुळे झोपी होत नाही, त्यामुळे माझी तर आज काही इच्छा नव्हती
की कार्यक्रमाला यायची वेळ पण पालवी साहेबांनी खूपच आग्रह केला. तर बोलूच चला, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आहे. पौर्णिमेच्या दिवशी 1956 साली बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्माचा स्वीकार केला आणि तेव्हापासून त्यांच्या त्यावेळेला लाखो अनुयायांनी जे बाबासाहेबांच्या विचारांना मानत होते त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालायची ज्यांच्याकडे हिंमत होती ताकद होती अशा सगळ्या अनुयायांनी खरं म्हटलं तर बुद्ध धम्माचा स्वीकार केला. आणि बुद्ध धम्माचा स्वीकार केल्यानंतर बाबासाहेब हयात असताना म्हणजे 1991 पासून ते 1956 पर्यंत आणि 1956 पासून सावळे साहेब 1956 पासून ते आजपर्यंत अशा खरं म्हटलं तर धर्माची गरज प्रत्येकाला का असते कोणी इथे बसलेलं सांगू शकाल का की खरंच आपल्याला धर्माची आवश्यकता का. तर बाबासाहेब असं सांगतात की आपल्या मनाला आपल्या मनावर संस्कार झाले पाहिजेत, चांगले संस्कार झाले पाहिजेत आणि त्यासाठी हा धर्म गरजेचा असतो. एकीकडे काल मार्क्स बोलतो खरं म्हणलं धर्म आणि धम्म या दोन टोकाच्या बाजू आहेत. आपण आपल्या आपल्या मध्ये बोलताना आपण बोलतो की आम्ही धम्माचं पालन करतो, बरोबर ना घोडके साहेब? आपण काय कसलं पालन करतो? धम्माचं. आणि धर्माचं पालन करणारे कोण हा फार मोठा प्रश्न आहे. ह्याचा अभ्यास खरं म्हटलं तर प्रत्येक वेळेला होणं गरजेचं आहे. मी एवढं सविस्तर बोलतोय त्याला कारण असं आहे की असं समजू नका मी काहीतरी मार्गदर्शन करतोय, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे अशा पद्धतीने मी बोलतोय की धर्म आणि धम्म ह्यातला पहिल्यांदा फरक बघूया. धर्मामध्ये अंधश्रद्धा असते, धम्मामध्ये ती नाहीये, म्हणून आपण धम्म पाळतो किंवा मानतो. खरं म्हटलं तर मानवाच्या विकासासाठी किंवा मानवाच्या मनाच्या विकासासाठी धम्माची आणि धर्माची या दोघांची आवश्यकता आहे. आम्रपाली बुद्ध विहार सेवाभावी संस्था की ओर से 12 अक्टूबर को कोल्हापुर के करवीर तहसील स्थित वसगड़े गांव में 63वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाने वाला है. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के संचालक भैया जी खैरकर मार्गदर्शन करेंगे. इसकी जानकारी पीवी भाटनकर इन्होंने पत्र परिषद में दी. साथ ही धम्म रैली और चीवरदान का कार्यक्रम भी लिया जाएगा. सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बंधू भगिनीनो सविनय जय भीम नमो बुद्धाय. आम्ही आम्रपाली बुद्धविहार बहुउद्देशीय सेवा संस्था यांच्या वतीने सोनारमाळ वसंगे येथे 12 ऑक्टोबर रोजी 63वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि कठीण चिवरदान सोहळा साजरा करीत आहोत. त्याकरता या निमित्तानं आमच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे, सकाळी 9 वाजता आंबेडकर पुतळ्यासमोर ध्वजवंदन होईल, त्यानंतर ध्वजवंदन झाल्यानंतर आम्ही रॅलीने सोनारमाळ येथे जाणार आहोत. त्यानंतर तिथे आमचा कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. पहिल्यांदा चिवरदान समारंभाच्या निमित्तानं मंत्र्यांची धम्मदेशना होईल, भिक्षुगणांची धम्मदेशना होईल आणि त्यानंतर दुपारी 1 ते 2 या निमित्तानं भोजनदानाची व्यवस्था केलेली आहे, त्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा. दुसऱ्या सत्रामध्ये आम्ही शाहीर सदाशिव निक्कम सिद्नेली यांचा श्रमिका तुझ्यासाठी गाईले पोहणे हा कार्यक्रम संपन्न होईल. त्यानंतर 4 वाजता लाड बुद्धाचे प्रमुख संचालक भैयाजी खैरकर यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम
ठरलेला आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये आज धम्माची गरज या विषयावर व्याख्यान होणार आहे. तरी सर्व उपासक उपासिकांना माझी नम्र विनंती आहे की या कार्यक्रमाला हजर राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवा. आज के जय भीम मीडिया में फिलहाल इतना ही. जय भीम.